तो जिस बात का डर था इंडियन क्रिकेट फैंस को वही हुआ पहले मैच में जहां बड़ी मुश्किल से टाई कर पाई थी भारतीय टीम वही श्रीलंका ने दूसरे मैच में भारत को करारी शिकस्त दे दी है और बुरी तरह पटकनी दे दिया दी है उठ रहे थे आकाश में उनको जरा सी जमीन दिखा दी है यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने और एक जीरो से यह सीरीज लीड कर ली है और जीत के कगार पर पहुंच चुकी है कि भाई फ्यूचर में ये सीरीज पर कब्जा भी जमा सकती है 2021 से अभी तक कोई भी वनडे मैच इंडिया से नहीं जीत पाई थी श्रीलंका लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है छह मैचेस इंडिया जीती एक टाई किया लेकिन हारी नहीं अभी तक दो से अभी तक लेकिन कल हार चुकी है इंडिया टीम और ये रिकॉर्ड टूट चुका है इसके साथ साथ उन्नीस से अभी तक कोई भी वनडे सीरीज भारत श्रीलंका से नहीं हारी हुई है लेकिन ये जो सीरीज है शायद अब श्रीलंका भी जीत सकती है और कुछ भी हो सकता है क्योंकि श्रीलंका का पड़ा भी भारी लग रहा है उसके स्पिनर्स तो कमाली कर रहे हैं भाई ये हंसते खिलखिलाते चेहरे आप देख सकते हैं ये जो मैच था इसमें भारतीय टीम सिर्फ दो रन पर ही सिमट गई जहां श्रीलंका ने 240 रन बनाए थे नौ विकेट पे इन्होंने भी बड़े धीरे धीरे मरमर के रन बनाए थे लेकिन इंडिया की टीम तो पूरी तरह पस्त हो गई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग और श्रीलंका 32 रन से ये मैच जीत गई भाई ये जो खिलाड़ी है ना

एक सौ सोलह पे तीन एक सौ तेईस पे चार एक सौ तेतीस पे पांच एक सौ सैतालीस पे छो पिचासी पे सात एक सौ नब्बे बिखरते गए बिखरते गए और सब पवेलियन में ऐसे मुंह लटकाते हुए जाते 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 रहे 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 और दर्शक उदास होते रहे ये सेलिब्रेशन बता रहा है कि कितनी खुशी है कितना उत्साह है इस यंग टीम पे जब टी ट्वेंटी मैच शुरू हुए और भारतीय टीम ने लगातार जीत दर्ज की तो ऐसा लग रहा था की वनडे में भी बुरी तरह ही हारने वाले हैं क्योंकि केएल राहुल विराट कोहली श्रेयस अय्यर ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी और शामिल होने वाले हैं तो भाई टीम इंडिया की बैटिंग तो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी लेकिन ये जो नए नए खिलाड़ी दिख रहे थे जिनको हम पहचानते भी नहीं थे कभी देखा भी नहीं था इनको ना खेलते हुए ना ही इनका नाम सुना था तो इन खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार किया कि भारतीय टीम को 208 रन पे ही गड्डी कर दिया भाई मतलब बहुत ही उठापटक वाला ये गेम रहा और पूरा गेम चेंजिंग जो सीन रहा इस लेग इस कर रहा इस स्पिनर तो चलिए शुरू से बात करते हैं सबसे पहले टॉस हुआ श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्णय उतना सही नहीं हुआ क्यों क्योंकि पहला विकेट जल्दी ही गिर गया और यहाँ सिराज ने निशंका को जीरो रन पे आउट कर दिया और यह बड़ी बात थी और पूरी टीम इंडिया बड़ी जोश में आ गई और सोचा कि अब तो भाई लंका पे चढ़ाई कर ही देंगे और पूरी टीम को हम बिखेर के रख देंगे लेकिन उसके बाद फर्नांडो आए 40 रन की बहुत अच्छी पारी वो खेल के बासठ बॉल में और पारी को संभाला उन्होंने और एक एक सीढ़ी एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें दूसरे खिलाड़ियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की धीरे धीरे इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की बारी आई भारतीय स्पिनर इन्होंने तीन विकेट झटके बहुत अच्छी बॉलिंग की इकोनॉमिक रेट बहुत अच्छा रहा श्रीलंका को संभालने का मौका नहीं दिया और एक स्थिति ऐसी आ गई कि 136 रन पे छह विकेट हो गए और ऐसा लग रहा था कि 150 रन पे सिमट जाएगी पूरी की पूरी की की श्रीलंका टीम और गौतम गंभीर जी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन को भी बॉलर बनाया जाए और इसी कड़ी में हमारे रोहित शर्मा जी को बॉलिंग दी गई लेकिन वो भी सफल साबित नहीं हुए लगातार बैट्समैन को बॉलिंग करवाई जा रही है लेकिन बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई इस सीरीज में भाई मिडिल ऑर्डर को तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया श्रीलंका की लेकिन जो टेलेंडर्स टाइप के खिलाड़ी थे जो बॉलर्स थे उन्होंने जो दिए 200 से ऊपर टीम को पहुंचा दिया और अंत में तो इतने बढ़िया बढ़िया शॉट्स मारे कि 240 रन का स्कोर इन्होंने गेन कर लिया और ये 240 रन का स्कोर ऐसा लग रहा था कि हाथी के मुंह में छोटा सा जीरा है क्यों क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जिनके बैटिंग के ऑर्डर के नाम इतने मशहूर हैं बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं तो वो भाई 240 रन तो आसानी से बना देंगे ऐसा लग रहा था पर शुरुआत में ऐसा ही हुआ भी रोहित शर्मा और गिल जब मैदान में आए तो उन्होंने इतनी बढ़िया पारी खेली दोनों एक से एक कमाल के क्लासिकल शॉट्स मार रहे थे कवर ड्राइव मारे थे स्ट्रेट ड्राइव मारे थे पुल मार रहे थे इधर उधर बेहतरीन बैटिंग का मुजाह यहाँ पर दोनों ने किया तो दोनों की पार्टनरशिप इतनी अच्छी रही कि तेरह ओवर में सतानबे रन दोनों ने जोड़ लिए और सतानबे रन तेरह ओवर में मतलब बहुत ही अच्छा टोटल होता है बहुत ही अच्छा ओपनिंग स्कोर होता है इसके बाद मिडिल ऑर्डर ने बस पारी को संभालना होता है और धीरे धीरे रन रन रेट के हिसाब से रन बनाने पड़ते हैं और इजीली स्कोर हो जाता है लेकिन हुआ इससे बिल्कुल ही उल्टा रोहित शर्मा चौसठ रन की धमाकेदार पारी खेल के आउट हो गए सिर्फ चौवालीस बॉल में उन्होंने चौसठ रन बनाए मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर वो और खेलते तो मैच तो एक तरफा ही वो जिता देते लेकिन एक खराब शॉट उन्होंने खेल दिया ऐसे रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए भाई वही शॉट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद तो तू चल मैं आया तू चल मैं आया ऐसी स्थिति हो गई में जीरो विकेट फिर एक सौ तेतीस में पांच विकेट झड़ गए ये देखिए हमारे दुबे जी यहाँ श्रेयस जी कोहली जी बस चलते बने इसके बाद तूफान जेफ वंडर से इन्होंने छह विकेट ले लिए भाई तेतीस रन देखे सिर दस ओवर पूरे डाले इकोनॉमिक रेट थ्री पॉइंट थ्री का इतनी किफायती बॉलिंग और इतनी आक्रामक बॉलिंग विकेट्स के साथ जब कोई खिलाड़ी करता है तो सामने वाली टीम तो वैसे आधा मैच हार जाती है तो इसलिए जयफरे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अब सभी लोग आंखें गड़ाए बैठे थे मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के ऊपर और अर्शदीप सिंह जी ने पिछले मैच में फर्स्ट मैच में क्या किया था ये तो जग जाहिर है ये फोटो ही बता रही है कि जब एक रन चाहिए था ये भाई साहब छक्का मारने के लिए चले गए और उसके बाद यह हाल हुआ मुंह दिखाने का काबिल नहीं रही और नजरे झुका झुका के ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे हाथ मिला रहे थे लेकिन अंदर दर्द हो रहा था दर्द बहुत ज्यादा तो भाई जब बल्लेबाज ही ना कर पाए कुछ तो ये बॉलर क्या करेंगे गलती इनकी भी नहीं है लेकिन क्या करें हारना तो था और उसके बाद रोते रोते सर खुजाते खुजाते सभी बैट्समैन पवेलियन की तरफ गए और पटाखे फूटे श्रीलंका की टीम के लिए भाई मैच में सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ कुछ अच्छा भी हुआ जहां सचिन तेंदुलकर ने 120 50 मार ली थी वहां 121 50 रोहित शर्मा की हो चुकी है तेंदुलकर तो के, तो के बाद विराट कोहली फिर सौरभ गंगली और चौथे नंबर में रोहित शर्मा आ चुके हैं तो रोहित शर्मा जी ने तो अच्छा ही खेला और उन्होंने दो रिकॉर्ड्स भी बनाए अपने नाम किए भारतीय क्रिकेट टीम की यह सरमनाकार बहुत कुछ कहती है भारत ने काफी कुछ करना होगा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अपनी जो बल्लों में जंग लग चुका है उसे हटाना होगा और मुझे तो लग रहा है कहीं टी ट्वेंटी में केल राहुल श्रेय सैयर इन लोगों को शामिल नहीं किया इसलिए वो अब बदला ले रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम से <laughs> तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि जल्द ही ये लोग वापसी करेंगे और अच्छा खेल दिखाएंगे हालांकि अब सीरीज का अगला मैच होने वाला है सात तारीख को सात तारीख को देखेंगे कि क्या होता है और आप तक हम मैच का पूरा स्कोर पहुंचाएंगे और हर एक हाल आप तक जरूर पहुंचाएंगे तो ये थी आज की वीडियो वीडियो में हमने देखा इंडिया और श्रीलंका का पूरा का पूरा हाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय